मॉर्निंग स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन. नाउ इस चैप्टर का को आप बॉटनी में भी पढ़ेंगे और जूलॉजी में भी पढ़ेंगे. क्यों, आइए हम इसको समझते हैं. स्ट्रैटेजीज मतलब जो हमारी टेक्निक्स हैं, जो हमारी स्ट्रैटेजी, हम जैसे स्ट्रैटेजी बनाते हैं पढ़ाई करने की, जो हम प्लानिंग करते हैं, किसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं या किसके लिए टेक्निक्स हैं, फूड प्रोडक्शन इन्हांस करने के लिए. वाई डू वी नीड टू इन्हांस द फूड प्रोडक्शन? बहुत सिंपल सा आंसर है, वी नो अबाउट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. हर दिन पॉपुलेशन रैपिडली ग्रो कर रही है. पॉपुलेशन ग्रोइंग के साथ साथ हमें बहुत सारा फूड चाहिए. उस फूड की प्रोडक्शन हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, वो हमारा एम है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव है. उसके लिए हमें रोज़ नई नई टेक्निक्स को इवॉल्व करना है. लगातार रिसर्चेस आर गोइंग ऑन. नाउ फूड में हम बेसिकली क्या क्या बात करते हैं? अगर हम वेजिटेरियंस की बात करें तो हम फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लेते हैं, राइट? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जिनका सोर्स क्या है, प्लांट है. दिस इज द सोर्स फ्रॉम विच वी गेट देम. या हमारे जो सीरियल्स हैं, मेन सबसे इंपॉर्टेंट, राइस, वीट, मेज, मक्का, दिस इज ऑल अगेन वी गेट देम फ्रॉम प्लांट्स, राइट? देन अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो मीट लेता होगा. मीट मींस इट कैन कम फ्रॉम चिकन, इट कैन कम फ्रॉम गोट, जिसे मटन बोलते हैं. देन इट कैन कम फ्रॉम पिग्स, जिसे हम पोर्क कहते हैं. पिग का मीट हो सकता है वो, या वो काउ का मीट हो सकता है, जिसे बीफ कहते हैं, राइट? दिस इज बीफ, दिस इज पोर्क, दिस इज मटन, एंड दिस इज चिकन को हम जनरल मीट बोलते हैं, चिकन. सो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये पूछे जाते हैं, राइट? नाउ इसके अलावा हो सकता है कोई मीट ना खाता हो, एगिटेरियन हो, तो एग्स, एग्स अगेन कहाँ से आएंगे, एनिमल सोर्स होगा, राइट? जनरली चिकन का एनिमल सोर्स चिक्स होंगे, मुर्गी के अंडे, राइट? सो इसके अलावा सी फूड हो सकता है कोई लेता हो. चाइना, जापान कॉमनली सी फूड लेते हैं. सी फूड मीन्स फिशेस बहुत कॉमनली ली जाती हैं, राइट? फिर हम हनी यूज करते हैं, वी यूज हनी, एंड हनी कम्स फ्रॉम, वी नो, मधुमक्खी, हनी बी से आती है, हनी बीज, राइट? सो ये सब हमारा खाने का पार्ट है, हमारा फूड का पार्ट है. और अगर हमें हमारी फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो हमें प्लस, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ कैन वी फॉरगेट, मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट. मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे बटर, चीज, पनीर, दही, कर्ड, ये सब मिल्क प्रोडक्ट से बनते हैं. तो इसके लिए भी, ये भी कहाँ से आएंगे, मिल्क कौन देता है? जनरली हम काऊ का मिल्क यूज करते हैं, बफेलो का मिल्क यूज करते हैं, गोट का कर सकते हैं, कैमल का कर सकते हैं. सो इट अगेन कम्स फ्रॉम एनिमल्स. तो अगर हमें हमारे फूड का प्रोडक्शन बढ़ाना है, हम ज़्यादा क्वांटिटी में फूड चाहते हैं और बेटर क्वालिटी फूड चाहते हैं, तो हमें ये प्लांट्स, एनिमल्स की रेयरिंग पे, उनके ब्रॉटअप पे, उनको, उनके रिप्रोडक्शन और बेटर क्वालिटी के एनिमल्स, बेटर क्वालिटी के प्लांट्स को हमें प्रोड्यूस करना है. We have huge collection tutorial videos which you can acquire on our E2's India social media channel. You can like, share our Facebook and Twitter page along with subscribe our YouTube channel and click on the bell icon for more updates.